अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं है किया ना, तो फिर यार मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्योंकि अगर आप मुझे देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसका मतलब है कि आपको इजहार भी करना चाहिए ना। तो फिर लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है ना। कमेंट में लाजमी बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी या नहीं लगी। यार मतलब कि एक चीज़ बताने में क्या हर्ज है कि तुम्हारी वीडियो अच्छी है या बुरी है। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आगे वाली वीडियो में मैंने क्या करना है। बस इतनी सिंपल सी बात है यार। तो यार मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ना रात को काम से आया था वापस, तकरीबन 3 बजे रात के, ठीक है। और जैसे ही आया हूँ, मैं आकर लेटा हूँ और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि रात को मैं काम करके आता हूँ तो फिर बंदे को नींद तो आती है, नींद भी आती थी, साथ में इतनी ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई थी ना। फिर वो वाला सीन आप देखना चाहते हैं, चलो तो यार देखिए। सीन कुछ यूं हुआ कि जैसे ही मैं आकर बिस्तर पर लेटा और मुझे नींद भी इतनी आई हुई थी, ऊपर से भूख इतनी लगी हुई थी, कभी मैं उधर पलटी लेता था, कभी इधर लेता था, और नींद और भूख के बीच में जो मुकाबला हुआ था वह बहुत सख्त हुआ था। पेट देखें आप मेरा किस तरीके से जो है नीचे लगा हुआ था। और अभी रात का टाइम था, सारे सोए हुए थे, तो घर में कुछ भी न था खाने को, और फिर मुझे मजबूरन सोना ही पड़ा। और सोते 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 भूख को हरा कर जो है नींद जीत गई। वो आपने सुना होगा कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो वो ही साहब कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं फिर सो गया और सोने के बाद फिर उठा तकरीबन 6 बजे। तो यार सीन आपने देख लिया है। और अभी मैं बनाने वाला हूँ रेमेडी चेहरे के लिए। चेहरा भी खूबसूरत होना चाहिए भाई, निखार आना चाहिए इस पर और अपनी केयर करनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से अभी आप रेमेडी वाला सामान इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए गुलाब का अर्क जो कि पड़ा हुआ है इधर, और बॉल भी चाहिए हमें। हाँ जी, तो ये पड़ा हुआ है बॉल हमारे पास, और चाहिए एक चम्मच, बॉल चम्मच और अरक भी हो गया है, और हमें चाहिए हल्दी। हाँ जी, ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, बल्कि 4-5 चीज़ें हो गई हैं। अभी ही इसको रखते हैं भाई। सबसे पहले डालते हैं हम मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे भाई। हाँ जी, आपका भाई अकेला व्लॉगर नहीं है, बड़ा सारा रेमेडी चैनल भी अभी खोलना है आपके लिए। लड़कों भी खूबसूरत करना है, क्योंकि लड़कियां खूबसूरत होती जा रही हैं, तो इससे फिर लड़कों के मुकाबले लड़कियां जो है ज़्यादा खूबसूरत हो रही हैं। लड़के बेचारे सड़ सड़ के जल रहे हैं, इसलिए उनको भी मेरे चिटा करने के लिए ना कोई नुस्खा निकालता रहता हूँ, तो अपने पर भी यूज़ कर लेता हूँ। और अभी हमारा जा रहा है गुलाब का अर्क। चलो भाई इतना सा ज्यादा ही डल गया, आप पी लें थोड़ा सा। मिट्टी है 50-20 रुपए की, लगाएं यार, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मुल्तानी मिट्टी से ये होता है कि आपकी स्किन जो है मट्टी जैसी हो जाती है। इसे आपने खड़खड़ करके इसे खोना है। दो कतरे नहीं, ठीक है, बहुत बेहतरीन किस्म का पेस्ट बन गया है। चाहे तो आप इसे खा भी सकते हैं। खाने से ये होगा कि ये अंदर जाके आपके बिल्कुल ही वाइटनिंग डेड सेल्स जो है कंप्लीट कर देगा। और लगाने से ये है कि ये आपको एक मट्टी जैसी स्किन लेयर देगा। कैसी है मेरी रेमेडी, ये है अभी जा रही है चेहरे पर। तो यार जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्क्स लग ही गया है, और अभी इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दम दे देंगे, उसके बाद ये पककर तैयार हो जाता है। तैयार, ये तो मैं चावलों वाली रेमेडी बना रहा हूँ। इसके बाद ये इसकी लेयर सूख जाएगी, और उसके बाद हम इसे उतार लेंगे, वो भी पानी के साथ। बाय बाय, टाटा, ख़त्म। बिल्कुल ही रेडी और शफाफ शफाफ हो गई है, और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो गई है। तो आज सुबह सुबह ही मैंने काम जो है किया है, आपको दिखाता चलूं कि सबसे पहले मैंने ये फ़र्श धोया है, और नीचे से मैंने सफाई कर दी है सारी की सारी, और इधर भी भाई काम किया है मैंने, बड़े बड़े सारे काम किए हैं आज। आज इधर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, ये भी साफ़ कर दिया, करके मैंने भाई फेंक दिया है उधर, और बकरियों को चारा वगैरह भी डाल दिया है। अम्मी जान अभी सो रहे हैं, आज अम्मी की ड्यूटी है, छुट्टी है, और मेरी जो है ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि इतवार का दिन आपको पता है, फिर आपका भाई जो है काम ही करता है। और आपको मैं दिखाता चलूँ कि आज अब्बू जान
अब्बू जान आज दरवाज़ा बना रहे हैं, ठीक कर रहे हैं उसको, ठीक है। वो देखिए एक पल्ला जो है उसका अभी टूटा हुआ है, दूसरा अब्बू जोड़ रहे हैं, बड़ी ही कारागरी से काम कर रहे हैं। ऐसे ही है ना अब्बू जान? अब्बू जी आज तैयार हो जाएगा कि नहीं? इंशाल्लाह आज अब्बू जान कह रहे हैं कि तैयार हो जाएगा। था आपको पता है पुराना दरवाज़ा था तो मिट्टी से और सिंक से जो है गल गया था, अभी अब्बू बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से जो ना वो कर रहे हैं ठीक। और माशाल्लाह से यार ये हमारा वाशरूम की जो है ना फ़र्श जो है भाईजान ने डाला, इतना प्यारा लग रहा है ना कसम से, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है फ़र्श। और अभी ही इसको धोकर हटाऊं। लहसन के बारे में आपको तो बताना फजूल है क्योंकि आपको मैंने बहुत दफ़ा बता दिया है कि लहसन हमने उगाया था वो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखें छोटे छोटे से पौधे निकलने शुरू हो गए हैं, वो जो होता है ना बरसन, देखिए आप कितने ही प्यारे लग रहे हैं खूबसूरत तरीके से। इनके बीज जो हैं, बीजों में से पौधे निकलने, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के हैं ना, ये वाला बीज हमने डाला था और यहाँ से निकलना शुरू हो रहा है। ये देखें ये काफ़ी सारा निकल गया है और अभी थोड़ा थोड़ा सा ना इसको पानी डालेंगे और ज़्यादा जो है ना ग्रोथ वो होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हम अपने लेलों को, कट्टों को, रानों को डाल देंगे, इसमें से साग भी निकलेगा। सबसे मेन बात तो ये है साग आपको पता है कि हर घर की पसंदीदा डिश है, पता नहीं किसी की ना भी हो कोई रोला नहीं है, क्योंकि जो खाता है ना उसको ही अच्छा लगता है वरना किसी को नहीं लगता। पता चलो कि यार उस घर में ना ज़रा सा भी दिल नहीं लगता था, वो इस वजह से कि वो ना सारा का सारा घर जो है ना छता हुआ है, क्योंकि उसमें रोशनी आती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आ भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि धूप जो है जिसम को नहीं लगती। सर्दियों को हमें धूप की ज़रूरत होती है और सर्दियों की जो धूप होती है ना सुबह सुबह की, उसमें विटामिन ए होता है जो कि बहुत ही हड्डियों को मजबूत कर देता है। तो इस वजह से आज सफाई वगैरह मैंने करके सारा काम कंप्लीट करके यहाँ पर जो है चारपाई डाल दी है और इसके ऊपर बैठकर आपसे मुंतखब हूँ और धूप सेक रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, हाय खुला आसमान और मैं नीचे, आए हाय पेंडू माहौल बड़ा ही मज़े का। ये देखिए आप गोबर भी सामने लगा हुआ है, रोड़ा ही कोई नहीं। हाय यार यहाँ पर मज़ा आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट ठीक आ रहा है ना, उठ गया है और बिल्कुल ही फ्रेश है और डक देख रहा है। चलो भाई चलो नहाओ, चलो 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 अंदर 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 नहीं जाना, नहीं दिल करता, ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरा तरह तुम भी डरती हो नहाने को। इस वीडियो पर 10 सब्सक्राइबर आएंगे तो मैं आपको ये वाला खाला टाप के दिखाता हूँ। हाँ जी आपके भाई की शक्ति आ जाएगी और ये नहर जैसा खाला आपका भाई वो खुद नाला पार करेगा। नाला होता है या खाला होता है पता नहीं, दोनों में से एक होता है। आपको जो अच्छा लगता है उसमें से अपना लीजिएगा ठीक है। और अभी ही मैं आपको ये खाला जो है गुजर के दिखाता हूँ, टाप के दिखाता हूँ ठीक है। यार खाला देख सकते हैं कि खाले की लंबाई तो काफ़ी है, चौड़ाई भी काफ़ी है, तो आपका भाई तो यार अगर इसमें गिर गया तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बेइज्जती हो जाएगी, सामने लोग फिर रहे हैं तो आपके लिए ये रिस्क लेना पड़ेगा। चलो भाई थोड़ा सा पीछे होते हैं, चार काम मेरे तो टांगे कांप रही हैं भाई। हाँ जी तो अभी चलते हैं फिर, थोड़ा सा दौड़ लगा कर जो है ना टाप लेते हैं। टाप लिया है, गुजार लिया है, आपके भाई की हलक जो है ऊपर चली गई थी, सांस नीचे आ गई थी भाई। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत सारी मस्ती की होगी और बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिली होगी, यहाँ पर बहुत सारी शरारतें आपको देखने को मिलेंगी। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोकना ज़रूरी है, तो चलो भाई ओके।